हेलो स्टूडेंट्स, आज की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 9th। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 में हमने 9th क्वेश्चन भी किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 2 - √5, हमने इसको ये बताना है क्या ये रैशनल है या इरेशनल। देखिए बेटा, 2 कैसा नंबर है, 2 क्या है रैशनल, और √5 क्या है इरेशनल। अब एक नंबर तो रैशनल और एक क्या है इरेशनल है, और उन दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है, माइनस का। तो इस केस के अंदर जब एक नंबर रैशनल और अदर इरेशनल है, बीच में माइनस का साइन है या प्लस है या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तब तो रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये जो नंबर, ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, ऐसे जैसे सेकेंड पार्ट है, ये तो पार्ट फर्स्ट था, सेकेंड पार्ट क्या है 3 + √23। ये 3 + √23 माइनस में √23 है, तो यहाँ पे जो है +√23 और -√23 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 बचा भाई। तो कैसा नंबर है 3, ये है रैशनल नंबर। कैसा है ये, रैशनल। फिर करेंगे पार्ट 3, जैसे यहाँ है 2√7 और बाय 7√7, तो √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/7। तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। जैसे कि पार्ट 4th 1/√2 है। अब देखिए बेटा, नीचे √2 आया हुआ है, इस केस में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा √2, और नीचे क्या हो जाएगा √2 × √2, क्या हो जाएगा √2 का स्केयर हो जाएगा, और स्केयर से √2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा √2/2। अब देखिए √2 कैसा नंबर है, इरेशनल, और 2 कैसा है, रैशनल। अब एक तो क्या है इरेशनल और अदर क्या है रैशनल, सो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। वैसे बेटा हम यहाँ भी ये बात बोल सकते थे कि जैसे 1 तो क्या है रैशनल है और √2 क्या है इरेशनल, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। पार्ट 5th क्या है बेटा, पार्ट 5th में 2π। अब तुम ये सोचते हो कि बेटा जो पाई है वो पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। तुम ये सोचोगे ये p/q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होगा, बट ऐसा नहीं है। जो 2π है, ये 2π कैसे, पाई जो होता है ना पाई, वो इरेशनल नंबर होता है। अब जब पाई इरेशनल है, सो 2π भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करने, सोल्व करने हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, क्या पार्ट फर्स्ट 3 + √3 इंटू में 2 + √2। अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इन दोनों, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ, यानी 3 × 2 + √2, ठीक है। फिर हम इस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इन दोनों के साथ में, यानी 2 + √2। अब देखिए हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 2 जहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 2 जहाँ 6 हो जाएगा, प्लस में 3 √2 हो जाएगा, +3 √2। ओके, प्लस अब ये √3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2√3, क्या आ जाएगा
टू रूट थ्री, और प्लस में रूट थ्री की फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू के साथ, तो रूट थ्री इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये आंसर है सिक्स प्लस में थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री। इन दोनों को हम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो रूट टू है और ये रूट थ्री है, तब ऐड हो, क्योंकि जब ये लाइक टर्म होती है रूट वाला जो सेम होते हैं तब ऐड कर सकते थे, अभी ऐड नहीं होंगे, प्लस रूट सिक्स। ठीक है, दिस इज आंसर। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड के हैं थ्री प्लस रूट थ्री इंटू में थ्री माइनस रूट थ्री, ये तो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, a प्लस बी यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, वी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा थ्री स्केयर माइनस रूट थ्री स्केयर, थ्री स्केयर क्या हो जाएगा नाइन, और ये रूट थ्री स्केयर से रूट कैंसिल, थ्री नाइन माइनस थ्री क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। ठीक है, पार्ट थर्ड, क्या बेटा पार्ट थर्ड में रूट फाइव प्लस में रूट टू होल स्केयर, यूज द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्केयर, क्या होते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ये आइडेंटिटी होते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, रूट फाइव प्लस रूट टू है तो इसको ऐसा लिखेंगे रूट फाइव स्केयर प्लस में रूट टू स्केयर और प्लस टू मल्टीप्लाई में रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट टू, तो स्केयर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या आया फाइव प्लस में टू हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा प्लस में टू रूट टेन, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टू रूट टेन। ऐसे ही जैसे पार्ट फोर्थ है फाइव माइनस रूट टू, सॉरी रूट फाइव माइनस रूट टू मल्टीप्लाई में क्या है रूट फाइव प्लस रूट टू, जैसे हमने यहाँ सेकंड पार्ट में सोल्व किया था वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकंड पार्ट में जो आइडेंटिटी हमने यूज की थी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही बात ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, इसलिए सोल्व हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन सेकेंड, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन थर्ड। तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। देखिए बेटा पाई जो है वो क्या है सी बाई डी, वी नो पाई इज इरेशनल नंबर, जैसे कि हमने क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये पाई इरेशनल है और पाई क्या गिवन है सी बाई डी, सी क्या होती है सर्कमफेरेंस यानी कि टू पाई आर और डी डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस टू आर। ठीक है, तो क्या बचेगा पाई बचेगा ना, टू आर से टू आर कैंसिल हो जाएगा, अब ये पाई गिवन है सी बाई डी, दिस सीम्स टू contradict that the fact pi is irrational। अब ये कहता है कि ये हमें ये जैसे pi की वैल्यू यहाँ c by d दे दी, यानी कि p upon q की फॉर्म में होगी, सो pi तो रैशनल नंबर होना चाहिए p upon q की फॉर्म में है तो, लेकिन pi irrational है तो हुआ ना contradiction यहाँ, तो हम हाउ विल यू रिसोल्व दिस contradiction, हम कैसे सोल्व करेंगे इस contradiction को। देखिए pi irrational नंबर है, ठीक है, और पाई की वैल्यू सी बाई डी है यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और यहां कंट्राडक्शन की बात स्टेटमेंट में की है तो हम इस कंट्राडक्शन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए पाई है इरेशनल, पाई क्या है इरेशनल, अब और ये वैल्यू है सी बाई डी, अब ये c by d irrational कब होगी, जब या तो c क्या हो irrational हो या d irrational हो या फिर दोनों irrational नंबर हो। सो
आइदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल और बोथ या फिर दोनों इरेशनल, तभी ये नंबर इरेशनल है। बट सी एंड डी आर बोथ लेंथ, आर बोथ बोथ लेंथ। भी सी सरकमफेरेंस है, वो सरकमफेरेंस जैसे ये सरकमफेरेंस है, ठीक है। क्या ये है, तो ये भी लेंथ ही, जैसे ये डायमीटर है, ये डायमीटर, तो डायमीटर भी क्या है, ये लेंथ ही है। वहन वी, वहन वी मेजर द लेंथ बाय स्केल, वी राइट एप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। सो वी मे नॉट रियलाइज, दैट सी एंड डी आर इरेशनल। देखिए सी भी लेंथ है, डी भी लेंथ है, और लेंथ को जब हम मेजर करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही राइट करते हैं हम, ठीक है। अब इससे हमें ये नहीं पता चला ये क्या सी इरेशनल है या डी इरेशनल है, हमें कोई पता ही भी नहीं चलेगा इसके बारे में, क्योंकि हम तो स्केल से तो रैशनल वैल्यू ही राइट करते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई कंट्रडक्शन नहीं हुआ। सो देर आर No contradiction. तो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करना। अगर किसी बच्चा कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करना। थैंक यू क्लास।